पांच राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद पेट्रोल की कीमतों ने जो रफ्तार पकड़ी है उसने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2021 में जितनी कीमत 100 दिन में बढ़ी थी उतनी ही कीमत पिछले 7 दिनों में बढ़ चुकी है। आंकड़ों के लिहाजों से बात करें तो एक सप्ताह में रोज 0.62 रुपए लीटर दाम बढ़े हैं। यदि रफ्तार यही रही तो 12 दिन में पेट्रोल की कीमत 118.94 लीटर पहुंच जाएगी, जो अब तक की सबसे ऊंची कीमत होगी। इससे पहले 18.79 रुपए लीटर तक कीमतें पहुंचने के बाद राज्य और केंद्र सरकार ने 11.6 रुपए की राहत दी थी, तब जाकर दाम 107.16 रुपए लीटर तक आए थे। मतलब अब सरकार भी टैक्स छूट देकर दाम कम कर दे इसकी संभावना कम है। केंद्र व प्रदेश सरकार के महंगाई पर नियंत्रण के दावों की हवा सहक गई है। देश में 22 मार्च से लेकर अब तक छठी बार पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ गए हैं, जिससे लोगों में रोष है। तेल कंपनियां लोगों को एक साथ बड़ा झटका नहीं दे रही है, बल्कि धीरे धीरे करके पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ा रही है। 22, 23, 25 और 26 मार्च को 87 पैसे और उससे ज्यादा बढ़ाए गए, जो जून 2017 में दैनिक मूल्य संशोधन शुरू होने के बाद से एक दिन में सबसे तेज वृद्धि थी। 22 से 28 मार्च के बीच 7 दिन में 6 बार में पेट्रोल के दाम 4.4 रुपए लीटर बढ़े हैं। 28 जून 2021 को पेट्रोल के दाम 106.80 पैसे थे। 29 जून को 0.36 पैसे बढ़ने के बाद कीमत 107.16 रुपए लीटर हो गई। 6 अक्टूबर 2021 को 111.40 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ था। इस बीच 14 बार कीमतें बढ़ाई गई। 21 मार्च 2022 को पेट्रोल की कीमत 107.16 रुपए प्रति लीटर थी। 28 मार्च को कीमतें बढ़कर 111.56 रुपए प्रति लीटर हो गई। 7 दिन में सिर्फ 6 बार में 4.4 रुपए लीटर दाम बढ़े हैं। मतलब हर दिन 62 पैसे लीटर दाम बढ़े हैं। कीमतें बढ़ते बढ़ते 3 नवंबर 2011 को 118.79 लीटर के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क घटाकर 4 नवंबर को 6.27 रुपए लीटर की छूट दी थी, जिससे कीमत घटकर 112.52 रुपए लीटर हो गई थी। तब तक केंद्र पेट्रोल पर 32.90 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क वसूलती थी। छूट के बाद पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटकर 27.90 रुपए रह गया था। 5 नवंबर को राज्य सरकार ने 5.33 रुपए की छूट दी थी। कीमतें 107.16 रुपए लीटर पर आ गई थी, जो कि 1 जुलाई को 2021 की कीमतों के बराबर थी। तब तक पेट्रोल पर मध्य प्रदेश में 33% वेट लगता था, इसे घटाकर 29% कर दिया गया था। इससे पहले 21 सितंबर 2019 को कमलनाथ सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 5% वेट बढ़ाया था, उससे पहले वेट 28% ही था। पेट्रोल डीजल पर लगातार बढ़ता टैक्स 2014 में केंद्र सरकार पेट्रोल पर 9.48 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी लेती थी, जो नवंबर में 2021 में बढ़कर 32.90 रुपए हो गया। फिलहाल ये 27.90 रुपए लीटर है। 2014 में डीजल पर केंद्र सरकार 3.56 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, जो नवंबर 2021 में बढ़कर 31.80 रुपए हो गया था। फिलहाल 21.80 रुपए है। फरवरी 2020 में मई 2020 तक की केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में क्रमश 13 रुपए लीटर और 16 रुपए लीटर तक की बढ़ोतरी की थी।